जी नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं 18 नवंबर 2017 का राशिफल हम सबके लिए क्या कहता है। मैं हूं दीपक कपूर। मेष राशि वालों को अपनों की मदद करने का जो विचार आपके मन में है वो बहुत अच्छा है, इसलिए घर परिवार की खुशियां भी बनी रह सकती हैं। इस प्रयास में हालात भी आपकी पूरी तरह से मदद जरूर करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए इस समय पैसे से जुड़ी अच्छी प्लानिंग ये हो सकती है कि आप अपनी देनदारी को कम कर लें और उसके चलते जिसका भी जो पैसा चुकता करना है वो कर दें, ताकि अपने ऊपर से वो बोझ हट जाए। मिथुन राशि वालों के लिए हालात मददगार हैं और कोई प्यार का रिश्ता फिर से दस्तक दे रहा है। इसे मैं आपकी अच्छाई कहूँ या कमजोरी, पर रिश्तों के प्रति आपका झुकाव बहुत ज़्यादा है। कर्क राशि वालों की अच्छाई और लगन की वजह से घर परिवार की खुशियाँ बनी रह सकती हैं। अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो उसके पीछे जो भी बात है उसे समझने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। सिंह राशि वालों को पढ़ाई लिखाई की दिशा में अच्छे नतीजे प्राप्त करने का समय है, पर किसी भी तरह के दूर स्थान के विकल्प को लेकर आप कुछ हद तक परेशान भी हैं। कन्या राशि वालों के लिए कई तरह के साधन बन जाएंगे जहां से आपको पैसा आ जाए। अपनों के साथ और समर्थन से भी आपकी संभावनाओं में और इजाफा होगा। कुल मिलाकर खुशियाँ बनाए रखने का समय है। तुला राशि वालों के लिए मेहनत के रास्ते पर चलने से आपका भरोसा बढ़ेगा और आगे बढ़ने के प्रयास में कभी कभी लोग नाराज भी हो जाते हैं, उन्हें भी संभालना पड़ेगा ताकि कोई परेशानी बढ़े नहीं। वृश्चिक राशि वाले एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें आपके ऊपर दबाव बहुत सारे हैं। आप बहुत कुछ करना भी चाह रहे हैं पर कुछ हद तक कोशिशें जैसे नाकाम होती चली जा रही। धनु राशि वालों के लिए हर तरह से लाभ बना हुआ है और अचानक बेहतर होती हुई परिस्थितियां भी आपके लिए नए रास्ते खोल सकती हैं। जिंदगी की खुशियां बने रहने का एक बहुत बड़ा ये कारण है कि आप अपनों से जुड़े हुए हैं। मकर राशि वाले ही समझ लें कि अपनी मेहनत से अपने कामकाज को बेहतर किया जा सकता है, पर कोई बड़ा कदम उठाकर उस स्थिति को आप बिगाड़े नहीं। जो जैसा चल रहा है उसे चलाए रखने में ही सुख है। कुंभ राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार हैं। आपकी कही हुई बात लोग समझ पा रहे हैं और आपकी सराहना भी कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां ही जिंदगी में खुशी देती हैं। मीन राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि रोजमर्रा की परेशानियां हम सबके लिए बनी। कुछ हद तक अगर आप परेशान हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा धैर्य बनाए रखने की भी ज़रूरत है। ये था जी आप सबका राशिफल, जिसे आपको अपने जीवन में उतारना है ताकि इसके मार्गदर्शन से आप इस समय को और सुखद बना सकें अपने लिए और अपने लिए आगे का रास्ता बना सकें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।